हे गाइस, यू आर वाचिंग फिल्म सर्कल और मैं हूं आपकी अपनी फिल्मी बिंदिया। अच्छा पप्पी, याद है आपको? क्या 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 सोच रहे हो? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, नो, नेवर, स्टॉप। यू गाइस आर वेरी नॉटी। हां, मैं वो पप्पी वाली पप्पी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तनु वेड्स मनु के पप्पी भैया की, जिन्होंने अपने कॉमेडी के तड़का छौंका सब कुछ लगा करके ना इस फिल्म को बिल्कुल ज़बरदस्त हिट बना दिया था। और मैं ये फिल्म इतनी बार देख चुकी हूँ ना, मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं कितनी बार देख चुकी हूँ, और हर बार वो हंसा हंसा के लोटपोट कर देते हैं। अच्छा वो वाला डायलॉग याद है आपको, जब फिल्म में एक कोमल नाम की कैरेक्टर पप्पी भैया से पूछती है कि आपका नाम क्या है, तो उस पर वो क्या कहते हैं? लेके बताएं कि देके? मतलब यार हिलेरियस। तो अब तक तो ना आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं दीपक डोबरियाल की, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम ना खूब रोशन किया है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि दीपक डोबरियाल का टॉपिक हमने अचानक से कैसे उठा दिया, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया जो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो आपके इस क्वेश्चन का ना मेरे पास एक ही जवाब है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। नेक्स्ट। तो यार बात ऐसी है ना कि दीपक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ मूवीज़ के पोस्टर्स शेयर किए हैं, उन मूवीज़ में उन्होंने खुद भी काम किया था, और उन सब पोस्टर्स के आगे उन्होंने एक लाइन लिखी है। उस लाइन के आगे जो है ना, वो जो गिर गिर के हंसने वाले इमोजीज नहीं होते, वो उन्होंने बनाए बहुत सारे। तो आइए आपको दिखा देते हैं वो पोस्टर्स। पोस्टर में नहीं था पर मैं भी था इस फिल्म में, किसी को नजर आया? इस फिल्म में भी था मैं पर फिल्म का नाम भूल गया। इसमें भी कुछ किया था मैंने, किसी को याद है? क्या फिल्म थी और क्या नाम था मेरा? इसमें भी था। अगली बार टैग करें तो वर्किंग स्टिल्स जरूर पोस्ट कीजिएगा। इसमें भी था पर कम लोगों को पता होगा। तो यार मजाक वजाक तो बहुत हो गया, पर असल में जो आपने अभी देखा ना वो मजाक नहीं है, वो काफी सीरियस बात है। दीपक ने अपने इस दुख को जो है इंस्टाग्राम पे अपने शेयर किया है कि उन्होंने जिन जिन मूवीज़ में काम किया उनके पोस्टर्स में उनको जगह नहीं मिली। तो सच बात तो ये है कि दीपक जो है ना वो बिल्कुल अपने नाम जैसे हैं, मतलब उनके आसपास सितारों की कितनी भी रोशनी क्यों ना हो, दीपक हमेशा ही प्रकाश करते हैं, हमेशा ही उजाला करते हैं, और उनकी जो फिल्में होती हैं वो हिट करवाते हैं भाई वो। और मतलब उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो इतने अच्छी तरीके से लोगों को रट जाते हैं, और जो उनका कैरेक्टर होता है वो मतलब लोगों के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ जाता है। तो बस मैं तो यही चाहूँगी कि दीपक जैसे फाइन एक्टर को ना उनका हक ज़रूर मिले। तो गाइज जाते जाते ना मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुना के जा रही हूँ जो दीपक के डैड से जुड़ा हुआ है। और दीपक ने ना एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी ना तो उनके डैड को बिल्कुल पसंद नहीं था कि दीपक एक्टिंग करे, वो चाहते थे कि वो छोड़ दें। तो फिर क्या हुआ कि मतलब जैसे हर एक डैड होता है ना जो अपने बेटे को मतलब ऐसे बोलते हैं कि तुम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो, ये है वो है फलाना ढिमाका, मतलब इसी तरह की चीज़ें जो है दीपक भी फेस करते थे। तो अब हुआ यूं कि जब ओमकारा रिलीज़ हुई ना तो पूरी कहानी ही बदल गई। मतलब फिर ऐसा हो गया कि उनके घर में जो भी गेस्ट आते थे ना तो मतलब डीवीडी रखी रहती थी, और उनके पापा जो है वो डीवीडी चला देते थे ओमकारा की, और भाई जो गेस्ट घर में आया उसको तो ओमकारा देखनी ही पड़ेगी। फिर तो मतलब ऐसा किस्सा हो गया था। तो फाइनली ये हुआ कि एक स्ट्रिक्ट डैड जो है वो दीपक की काबिलियत देख करके एक स्वीट डैड में बदल गए। तो भाई लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी कि दीपक वी लव यू अलॉट, और आप इसी तरीके से ना हंसते रहिए और हम सबको यार हंसाते रहिए। आप पोस्टर में नहीं दिखे तो क्या हो गया, आपकी एक्टिंग का ना हर तरफ बोलबाला है। सो गाइज टाइम टू से बाय बाय, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अच्छा दीपक का कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है वो हमें कमेंट बॉक्स पे ना आप ज़रूर लिखकर बता दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार जाते जाते। चलिए फिर आपसे मिलेंगे, फिर होगी मुलाकात और बहुत सारी बात। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।